यहाँ पर एक कमाल के मॉल में आई, पता नहीं क्या भेजा ये। हो गई मम्मा की शादी बेटा, हम आजाद है। ओ लो 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 लो, रह गई। ओह नो, बाल पकड़ के निकाल देते, पता थाईलैंड से ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ये लोग। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। क्या मॉर्निंग है, सुबह की 7 बजे हैं। मैं अपने कमरे में सोई थी लेकिन मुन्ना इतनी जोर जोर से खराटे मार रहा है कि नींद ही खुल गई। बच्चा 2 बार उठ गया, मैं उठी, हर्ष नहीं उठा। क्या खराटे मार रहा है, ऐसे लगता कि कोयले की खान में मुन्ना ही काम करता है। गाइस, पता नहीं मुन्ना आज किस जन्म का बदला ले रहा है। पहले तो इसने मुझे 7 बजे से उठा दिया, इतने जोर से खराटे मार रहा था कि मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे ऐसे लगा कि कोई जंगल से शेर तो नहीं आ गया, हॉल में शेर सो रहा है। और अभी दूसरा कांड मुन्ना ने ये किया है, इंडक्शन है जिसपे हम खाना वाना बनाते हैं, मुन्ना ने गेट के पास ही रख के उसमें कुछ तड़का लगा दिया और इतना धुआं धुआं हो गया, आग वाला सायरन बज गया। आग लगी है, दीदी ने ब्रेड पहले से ली। नहीं, दीदी की गलती है, शादीशुदा होके भी ऐसी गलतियां करती है। और ये तो लड़का है, खाली स्टील के फ्राई पैन में ब्रेड कौन रखता है दीदी? गरम करने के लिए रखा। हमको बाल पकड़ के निकाल देते, पता थाईलैंड से ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ये लोग। बोले अभी आग लगने वाली थी, मुन्ना भैया सबको जलाने वाले थे। आज कोई मच्छर नहीं, ताता कोई मच्छर नहीं। A few moments later. तो चलिए जी, हम रेडी हो गए हैं। पहले बता दूं, इतनी गर्मी है यहाँ पे, ये देखो भाई। वैसे तो शाम के लिए सही होता है ये बालकनी वाला कमरा, लेकिन दोपहर में जो वाट लगती है, आपको ऐसे लगता है कि आप तंदूर में हो। ना चाहते हुए आपको कमरे से बाहर निकलना पड़ रहा है। और हम जा रहे हैं अपने बच्चे के साथ, और मुन्ना भैया भी जा रहे हैं साथ में, शॉपिंग करते हैं। चले मुन्ना। हाँ हाँ, शॉपिंग करते हैं। फ्रेंड्स के लिए कुछ लेना है? अपने लिए पहले ले लो। मुझे बेहद अफसोस है कि तुम जैसे इंसान को मैंने अपना दोस्त समझा। संतोष वंतोष के लिए कुछ लेना है? ड्राइवर आ रहा है, चलो। और इसका क्या करना है? अच्छा, चलो गोले, बैंकॉक में मचाए ये मचाए बैंकॉक में जल्दी। आज मुन्ना का पेट कम होता तो वो जल्द से पहुंच पाता। भाई मुन्ना के बाल कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि जंगल में आग लग जाती है ना, उसके बाद जो खेत उगते हैं वो। I'm नौटंकी बच्चा, नौटंकी बच्चे, नौटंकी बच्चे। थक गए? मुन्ना ऐसे लग रहा है कि थाईलैंड का गाइड है। सो लंच पे हम निकले हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी, और जितने हमको एक हफ्ता होने आया है, हम इंडियन ही फूड खाई जा रहे हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों है ना दीदी, कुछ भी खा लो, ऐसा लगता दाल चावल मिल जाएंगे तो सही हो जाएगा। सही बात है। वो उड़ीसा का लड़का है, ये बंगाल की लड़की है, मैं अमृतसर की, सब एक दूसरे का मुँह देखते हैं और फिर कहते हैं दाल चावल। आज लेकिन हम कुछ अलग से ट्राई करेंगे, कोई बसोड़ी चीज नहीं करेंगे और कोई अच्छी करेंगे, कोई चीज ट्राई। क्या बोलती दीदी? ठीक है। यहाँ पे क्या चीज अच्छी लगी घूमने फिरने में, खाने पीने में, शॉपिंग में? समुंदर। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। तो समुंदर यहाँ से थैली में भर के लेके जाओगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, बहुत। नेल लगाती है तो। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक दीदी हंसती रहेगी। इस मॉल में जितने भी फ्लोर हैं, हर एक शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये फर्स्ट यानी कि ग्राउंड फ्लोर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस को, यानी कि पेरिस को। अब देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस किस कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। काश एक इंडिया वाला भी हो, वहाँ दाल चावल मिल जाएंगे, है ना मुन्ना? हाँ।
ये देखो इसकी रिंग भी आ गई, रिंग आ गई, और ये पुतले ने भारती को प्रपोज भी कर दिया है। हो गई मम्मा की शादी बेटा, हम आजाद है। पापा, पापा, पापा। ये बेटा है तेरा हाथ से, ये इसने लिखा है विल यू मैरी माय डैड। हे जॉन, विल यू मैरी मी। उसकी बोलती बंद हो गई, चुप हो गया वो, बुत बन गया है, बुत भी चुप रहता है, बुत बन गया है। इससे शादी कर लो, ये भी चुप रहता है। हाँ ठीक है, तो इससे कर ले शादी। ये ले फसारी उंगली, अभी इधर ही रहना, बाय। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक कमाल के मॉल में आए। इस मॉल की खास बात ये है कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की चीजें हैं, जैसे अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं और इतनी कमाल की इसकी आर्किटेक्चर है। ये देखिए आप, अभी हम जाएंगे पेरिस। ये देखो ये एफिल टावर भी है इसमें। दोस्तों झूठ बोलना तो कोई हर्ष से सीखे, क्योंकि इसने बोला था कि हर एक फ्लोर पे हर एक कंट्री का कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखो ये नीचे से लेके भाई ऊपर तक। तू लंदन में आई? मैं लंदन गए आई। ये तू ज्यादा मत समझा, सर की साइड मत लिया कर। ओ लो 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 लो, रह गई रह गई। ओह नो, ओ दीदी साथ वाले डंडे को क्यों मल रही थी? हैं पूरा ऐसे कर रही थी, उसको भेज रही थी, कहती तू चल मैं आई बैंकॉक की जगह। देखो कितनी कंट्री घुमा दी साथ में, लंदन इटली, लंदन और इटली, इटली इटली क्या इटली, घर बनाने के लिए इटली। सारा ब्रिज इस लड़के ने पकड़ा हुआ है। बाबू, अरे बाबू हाथ दो। गजब बेइज्जती है बाबू, मम्मा की बेइज्जती हो गई। अच्छा बाबू खाना खा लाए। A few moments later. एक तो हमें भूख बहुत लगी है और हम आए हैं कोरियन रेस्टोरेंट में। हमें कुछ नहीं पता चल रहा, ना मुन्ना को चल रहा है, इसमें क्या करेंगे हमें वो भी नहीं पता, और ये क्या करेगा हमें भी नहीं पता। पता नहीं क्या भेजा है, ये क्या मंगाया है। मुझे फिर भी क्या, मेरा दिल कर रहा मैं गोले की खिचड़ी खा लूँ। ग्रीन वेजिटेबल मंगाया उन्होंने, अखा लहसुन हरी मिर्ची। गोले क्या लेना? चलो गोले उठ जाओ। क्या चला गया, देखो कैसे छुड़ा के। अच्छा अच्छा पापा लेके देते। सो पापा यहाँ पे छोड़ के खुद चले गए वॉशरूम, और अब मैं क्या करूँ? ओ पापा है इधर, भाई तुम्हारा बेटा कार खरीद रहा है। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक ले लेते हैं। गाइस सुपरस्टार सुरेश जी हमारे साथ है। इतना टाइम हो गया, पता नहीं मुन्ना भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। थोड़ा अजीब लगता है यार ऐसे शहर में सुरेश जी को मिलना, बट ये बहुत शरीफ है। या बहुत शरीफ हूं मैं। ये पहले बंदे जो बैंकॉक में कह रहे भारती मैं खाना खा के सो जाऊंगा, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है सच? ये तो अभी भारती जी मैंने कहा था कि खाने के बाद मैं वॉकिंग जाऊंगा। वॉकिंग ओके, स्ट्रीट तो होगी फिर, वही तो वॉकिंग होगी। आप लोग भी ना क्या सोचते हो बाय। कहते ना कि आलू और इंडियन हर जगह मिलते हैं। ये देखो ये सारे पति हैं अपनी बीवियों को लेके बैंकॉक आए हैं। बीवी को लेके बैंकॉक कौन आता है? ये देखो सो इनकी मैरिज एनिवर्सरी, क्या नाम है आपका? अनीशा। अनीशा की मैरिज। आपके? सुदीप। सुदीप बहुत खुश है अगर अकेले आते यहाँ, लेकिन स्माइल थोड़ी। नेक्स्ट टाइम इनको अकेले भेजिए, ऐसा कभी भी नहीं, अकेले नहीं भेजना यहाँ पे। Hours later. So, चलिए जी मैं रूम में आ गई हूँ। और भारती क्या आते ही इसने मेरे बेटे की शिकायतें करनी शुरू कर दी। ये एक मिनट अभी मैंने जैसे तैसे हार के इसको ये अपना आईपैड दिया और ये उसमें लगा हुआ है। ये वो पूरा का पूरा गमला तोड़ने वाला था, लाइट वाला। ये, oh, no. ये लैंप तोड़ने वाला था ये आदमी, पूरा ऐसे ऐसे। मैंने बोला अरे क्या कर रहा है, और बोलता है गिराना है मुझे।
कैसे? एक सेकंड बैठने नहीं दिया। लैंडलॉर्ड होता ना जो जिसकी माँ आती है कि मेरा बच्चा रह रहा था पीजी में, आपके बच्चे ने इतना तंग कर मारा है हमको, इतना तंग कर मारा है, एक सेकंड बैठता नहीं है। हेलो बेटा, बेटा ये सच है? बेटा 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 ये सच है? तो चलिए जी भाई, कल हमारा इवेंट है और कल हमारा लास्ट डे भी है। तो चलिए जी व्लॉग को एंड करते हैं, और थक गए हैं, कल इवेंट है, कल कहीं नहीं जाना, सुबह से इवेंट की तैयारी करनी है और फिर वापस इंडिया जाना है, बहुत सारे काम है और वापिस जाके एक शादी भी अटेंड करनी है, बहुत ही खास लोग हैं जिनकी शादी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बस ब्लॉग को एंड करते हैं, जिसने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बाय बाय। ओ सॉरी, अभी भी हम बैंकॉक में ही हैं। हाँ महारानी, कैन यू कनेक्ट मी टू महारानी रेस्टोरेंट? उस लड़की के सामने यूएस का इमिग्रेशन कैसे पास होता है, बोल अभी इंग्लिश, अब सारा रहेगा बेटा व्लॉग में। या हाय, आई वांट टू ऑर्डर सम फूड। फूड?